हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारा प्रयास रहा है कि हमारे हिंदू समाज में हो रहे हर एक रीति रिवाज एवं संस्कृति को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, चाहे व्रतबंध का रिवाज हो या शादी ब्याह का रिवाज हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में खास करके एक शादी का रीति रिवाज को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा प्रयास अंतर्गत हमारा जो भी रीति रिवाज संस्कृति है वो दुनिया का सामने आए और दुनिया हमारे रीति रिवाज को कदर करे। इसके साथ हमारे आने वाले पीढ़ी इस चीज को हमेशा कायम रखे और जिस पर किसी तरह का बदलाव ना हो, इन्हीं रीति रिवाजों को एक स्थान देने के हमारा प्रयास रहा है। और अगर आप इन हिंदू धर्म अंतर्गत शादी ब्याह का जो भी रीति रिवाज हो इन्हें मानते हैं तो इस धर्म संस्कृति को प्रचार प्रसार में हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, शादी ब्याह का कई सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड है और कई ऐसे रस्म रिवाज है जो मिस भी हुए हैं, तो हम बाकी का वीडियो में उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो भी इस चैनल पर अपलोड है वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लाइक कमेंट का साथ दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो पे। अरे कहना दोस्तों, जब हम बराती लेकर के ब्याह के लिए जाते हैं तो सबसे पहले स्वयंवर करते हैं और फिर दूल्हा का लोकनिया का ओर से डल्ला को मंडप पर रखा जाता है। समय अनुसार शादी का प्रक्रिया शुरू होता है। पंडित की आवश्यक कार्यवाही के बाद दूल्हा को शादी का नए कपड़े पहनाकर दुल्हन को घर से लाया जाता है और मंडप पर छोड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जो भी शादी का विधि व्यवहार होता है वो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा समझ करके बीच से स्किप ना करें, पूरा वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट का साथ चैनल को फॉलो करना न भूलें। क्या काम है पेन दादी के दादा को Sita re te hai, 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 h
पार आबू यहाँ आठ पाँच बजे करूँ आठ बजे मिला